हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो बंद या क्लॉट हुई या क्लॉग्ड नली में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को कम करते हैं या नलियों के लिए अच्छे हैं, ब्लॉकेजेस को कम करते हैं, उस बारे में बात करेंगे। कुछ नेचुरल फूड स्टफ्स को आज हम कवर करेंगे और इसमें क्या क्या पदार्थ हैं जो बॉडी के लिए अच्छे हैं, क्या फ़ायदा ये हमको करते हैं, किस तरह से बेनिफिट करते हैं, का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, उस बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग इस बारे में कंट्रोवर्सी कहेंगे कि साहब आप ही ने आपके पुराने वीडियो में बोला था कि नली या ब्लॉकेज खुल ही नहीं सकती, आप कितना भी डाइट ले लो, कितना भी दवा ले लो, ब्लॉकेज नहीं खुल सकती। तो आप बोल रहे हो कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो दवाई के बिना भी ब्लॉकेजेस को खोल सकते हैं। तो मैं अपनी पुरानी बात पर टिके हुए मैं आपको यही बोलूँगा कि ये फूड स्टफ्स आपके लिए अच्छे हैं, ब्लॉकेजेस का इंसिडेंस को कंपेरेटिवली कम कर सकते, पर ऑब्वियसली हुए ब्लॉकेजेस को कम नहीं कर सकते या पूरी तरह से खोल नहीं सकते। इस पर आप रिलाई नहीं कर सकते कि भाई मेरे को 80-90% ब्लॉकेज है तो वो ये मैं खाद्य पदार्थ खाऊंगा तो पूरी तरह से मेरी नली खुल जाएगी और वो 20% पर आ जाएगा या 30% पर आ जाएगा। ऐसा सोचना या ऐसा मानना गलत है। इसीलिए ये फूड स्टफ्स आपका बेनिफिट ज़रूर करेंगे, कुछ तरह से आपके लिए मदद करेंगे, उनको खाने से आपके ब्लॉकेजेस होने का चांस कम हो जाएगा। अगर ऑलरेडी ब्लॉकेजेस है तो उनका प्रोग्रेशन कम हो जाएगा कुछ हद तक, पर ना तो कोई दवाई और ना तो कोई फूड स्टफ आपको 100% गारंटी दे सकता है कि ब्लॉकेजेस खुलेंगे। सिर्फ एंजियोप्लास्टी बाईपास ही एकमात्र तरीका है जो आपको ये 100% गारंटी देता है कि आपको ब्लॉकेजेस जो है वो पूरी तरह से खुल जाएगा और वो 100 से 0 पे आ जाएगा। ऑब्वियसली एंजियोप्लास्टी में ये सिस्टम है, बाईपास का तो सिस्टम ही अलग है, उसमें तो आप ब्लॉकेज को कम नहीं करते, आर्टिफिशियल चैनल क्रिएट करते हैं। लेकिन ये फूड स्टफ्स जो है आपकी मदद ज़रूर करेंगे, पूरी तरह से ब्लॉकेजेस को नहीं खोलेंगे। हाँ, हार्ट के लिए अच्छे हैं, ब्लॉकेजेस वाले लोगों के लिए अच्छे हैं, कुछ हद तक उनकी मदद करते हैं, इसलिए इनको फॉलो करना चाहिए। किस तरह से ये मदद करेंगे चीज़ें, इस बारे में भी बात करेंगे। ये टॉपिक एंड तक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होगा, हार्ट पेशेंट्स के लिए लाभदायक होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसे एंड तक देखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें नए वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो आते हैं आज के कौन कौन से 10 फूड स्टफ्स हैं जो आपकी नलियों को खोलते हैं, ब्लॉकेजेस के चांसेस को कम करते हैं, हृदय के लिए अच्छे हैं। उस पर सबसे पहला है हल्दी। दिन भर में 3 से 4 चम्मच, 3 से 4 कलियां जो हल्दी की है, या 1 से 2 चम्मच हल्दी आपको लेना चाहिए। ये बेसिकली नलियों में सूजन को या इन्फ्लेमेशन के चांसेस को कम करता है, जिससे नलियों में प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग का चांसेस कम हो जाता है और हार्ट की नलियों में हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाता है। ब्लॉकेजेस पूरी तरह से खुल जाएंगे वैसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपके हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन सूजन कम हो जाएगी। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि ये नलियों का इन्फ्लेमेशन और सूजन ही हार्ट अटैक होने का सबसे बड़ा कारण है। तो जिस भी तरह से ये कम हो, ऑब्वियसली मेडिसिन भी कुछ हद तक इसी तरह से ही काम करती हैं, तो जिस भी तरह से कम हो वो बॉडी के लिए अच्छा है। तो इसलिए जो लोग की भी नलियों में ब्लॉकेज है उन्हें ये फॉलो करना चाहिए और कंपेरेटिवली इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा। सेकेंड है एवोकाडो या एलिगेटर नाशपाती। इसमें एक मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं और एक स्पेसिफिक कंपाउंड रहता है जो कि बीटा साइटोस्टेरोल बोलते हैं। ये विटामिन B6 के अलावा भी इसमें रहता है जो कि बॉडी के होमोसिस्टिन लेवल्स को कम करता है, पोटेशियम लेवल्स इसमें ज़्यादा रहता है जो बॉडी के ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो बेसिकली हार्ट के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो ओवरऑल ब्लॉकेजेस के लिए अच्छा है, खोल देगा ऐसा नहीं, अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट फूड स्टफ है एस्पैरेगस। 2 कप एस्पैरेगस दिन भर में लेने के से ये आपकी नलियों में जो सूजन है उसको कंपेरेटिवली कम करता है और ब्लड में क्लॉट होने का चांसेस को कंपेरेटिवली कम करता है। तो जो लोग के भी नलियों में क्लॉटिंग का चांसेस है या हार्ट अटैक होने का चांस है, वो एस्पैरेगस दिन भर में 2 कप ले तो कंपेरेटिवली आपके हार्ट के लिए और हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है पोमाग्रेनेट यानी अनार। इसमें बेसिकली काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड्स के डिपॉजिट्स को होने को कम करते हैं। नलियों में फैट का डिपोजिशन कम होगा तो ब्लॉकेजेस कम बनेंगे, ब्लॉकेज का प्रोग्रेशन कम होगा, हार्ट अटैक का चांसेस कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जिन लोगों के भी नलियों में ब्लॉकेज है ये उनके लिए अच्छा माना गया है। दिन भर में 1 कप आपको लेना चाहिए, ये हर हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा है और हार्ट पेशेंट्स के लिए हेल्दी है, खासकर जिन लोगों को नली के ब्लॉकेज की बीमारी है उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है ब्रोकोली। ब्रोकोली दिन भर में 2 कप लेने से कंपेरेटिवली इसमें कैरोटीनॉइड्स, विटामिन B6 और ल्यूटिन और फोलेट ये सब कंटेंट होते हैं जो हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस की बीमारियों के लिए अच्छे माने गए हैं। और जो लोग के भी बॉडी में
ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। मेजर एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इसका एक्शन है जो हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करेगा। और इसमें सल्फोरफेन करके एक कंपाउंड होता है जो नेचुरली प्रोटेक्टिव प्रोटीन रहता है जो हमारी आर्टरीज को हार्ट अटैक से बचाता है और हार्ट डिजीज़ के इंसिडेंस को कम करता है। दिन भर में 2 कप ब्रोकोली प्रेफरेबली कच्ची अगर ले तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बॉयल या स्टीम करके या ज़्यादा ऑयल वगैरह डाल के इसको नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, कच्चा ले तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है शिया सीड्स। ये ब्लड प्रेशर लेवल्स को इम्प्रूव करता है, स्पेशली डायबिटिक्स लोगों के लिए अच्छा है, शुगर लेवल्स को भी कम करता है, वजन कम करने को भी अच्छा के लिए भी अच्छा है। ब्लड शुगर के स्पाइक्स जो होते हैं, सडन ब्लड शुगर लेवल जो शूट अप करता है डायबिटिक पेशेंट्स में, उनके लिए भी अच्छा है। तो डायबिटिक पेशेंट्स खासकर जो है उनके लिए 2 चम्मच शिया के सीड्स खाना हेल्दी माना गया है, हार्ट के लिए अच्छा माना गया है और कंपेरेटिवली हार्ट अटैक का चांस कम हो जाएगा। अगेन वही कह रहा हूँ, ब्लॉकेजेस नहीं खुलेंगे लेकिन कुछ अच्छा आपके लिए है। नेक्स्ट है दालचीनी यानी सिनेमन। इसको दिन भर में 1 चम्मच आपको लेना है। दिन भर में 1 चम्मच दालचीनी अगर आप लेते हो तो ये LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कुछ छोटी स्टडीज़ में दिखाया गया कि 18% तक कम कर सकती है। और LDL लेवल्स को कम होने से डेफिनेटली हार्ट में क्लॉटिंग का चांस या हार्ट अटैक आने का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें एक बॉडी में एराकिडोनिक एसिड करके कंपाउंड होता है, उसका बनना को थोड़ा कम करता है। ये बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स को अनस्टेबलाइज करता है एराकिडोनिक एसिड, और सिनेमन जो है ये दालचीनी उसको थोड़ा सा कम करता है, ब्लड प्रेशर लेवल्स को कम करता है, इसलिए ये कंपेरेटिवली अच्छा माना गया है। और जो लोग को भी हार्ट के नली के ब्लॉकेजेस वगैरह हैं उनके लिए अच्छा फूड स्टफ माना गया है दालचीनी। 1 चम्मच दिन भर में पीस के लेना है इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड स्टफ है वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज बेसिकली इसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा रहता है, पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो पेट भरने के हिसाब से भी अच्छा है, डाइटिंग के लिए जो लोग इंटेंड करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। दिन भर में 5 से 6 कप या आधा साइज़ का एक मीडियम लेवल का तरबूज जो है आधा अगर आप खा जाओ तो अच्छा है। ये शुगर लेवल्स को उतना पीक नहीं करता है तो इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक लकवे का चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। और इसमें लाइकोपीन रहता है जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए प्रोटेक्टर माना गया है, तो वो स्टफ़ आपके लिए अच्छा है। इसलिए तरबूज आप दिन भर में आधा तरबूज अगर आप खा लेते हैं या 5 से 6 कप तरबूज लेते तो अच्छा है। नेक्स्ट है क्रैनबेरीज। क्रैनबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट स्टफ काफ़ी अच्छा रहता है जो कि LDL और LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, ब्लड के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और कुछ छोटी स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस को 40% तक ये रिड्यूस कर सकता है। तो 1 कप दिन भर में क्रैनबेरी आपको लेना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑब्वियसली दवाई के बदले आप इन सबको चीज़ों को लीजिए, पर ऑब्वियसली ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा लास्ट फूड स्टफ है स्पिरुलिना। दिन भर में 1 चम्मच स्पिरुलिना आप लेते हो तो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में GLA फैटी एसिड यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एक्यूमुलेशन में कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो 1 चम्मच दिन भर में स्पिरुलिना आपको लेना चाहिए। ये सारे फूड स्टफ जो मैंने आपको बोला यानी कि स्पिरुलिना, क्रैनबेरीज, तरबूज, सिनेमन, चिया सीड्स, ब्रोकोली, पोमोग्रेनेट, एस्पैरागस, एवोकाडो और हल्दी, ये सारे चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपको कंपेरेटिवली हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाएगा। मैं अगेन वही बात कहूँगा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको ब्लॉकेजेस को खोल देगा, दवाओं के बदले नहीं लेना है, पर हाँ दवा के साथ अगर इन फूड स्टफ्स को आप हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को लेते हैं तो उनके लिए अच्छा माना गया है, ब्लॉकेजेस का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, दोबारा हार्ट अटैक आने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। सब चीज़ साथ में लेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारे फूड स्टफ्स अलग अलग तरह के हैं, इनको साथ में लेंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मेरे टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट से संबंधित या हार्ट के ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट के लिए कौन कौन से फूड स्टफ्स अच्छे हैं उस बारे में हमने बात की। जो लोग भी हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस या शरीर के किसी भी भाग की नलियों के ब्लॉकेजेस की बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें ये सारे फूड स्टफ जितने रिकमेंडेड मात्रा में मैंने आपको बताया उतने मात्रा में लेने चाहिए। यह आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है और ओवरऑल आपके हार्ट अटैक के चांसेस को कम करेगा, एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को खोलेगा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन कंपेरेटिवली आपके लिए अच्छा है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए भटकना ना पड़े। लोग ज़्यादातर इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंड करते हैं। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते, ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से आपको हर OPD में आप सब कुछ बता पाएंगे। फ्रेंड्स और रिलेटिव कई बार आधी से ही आधी गलत चीज़ें बताते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको चीज़ें बताते हैं जो कि कई बार उल्टा भी हो सकता है, जिसको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी होता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आपके पेशेंट को आप बेटर समझ सके, समझा सके, मैनेज कर सके और डॉक्टर के साथ केस को बेटर डिस्कस कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कुछ और टॉपिक्स के बारे में हमें वीडियोज़ बनाने चाहिए
या कोई और के आपके कमेंट्स और डाउट्स हैं तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख के बताइए। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक सुना और होपफुली आपको इससे कुछ यूज़फुल और इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।